हाय, वेलकम बैक टू अर्बन डाइट। दिस इज़ योर डाइटिशियन निकिता। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक अवेयरनेस टॉपिक है, जो कि मुझे ऐसा अपने बहुत सारे क्लाइंट से या लोगों से बात करके ऐसा महसूस होता है कि हम हर जगह हर टाइम ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हम एक बैलेंस लाइफस्टाइल फॉलो करने की बात करते हैं, लेकिन हमें क्लियरली ये पता ही नहीं है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है। सो आज के जो हम इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढेंगे वो है कि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, डिसऑर्डर्स कैसे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उनको मैनेज कैसे करना है, जंक फूड क्या है जिससे आजकल हर माँ बाप परेशान है, और क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो बच्चे और भी आई एम श्योर आप लोगों को तंग करते होंगे कि अब ये खाना है, अब बेकिंग कर दो मम्मी, अब कुछ पिज्ज़ा बना दो। तो जंक फूड क्या है और उससे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उससे बचे रह सकते हैं, दूसरा उसको हमारे नुकसान क्या हैं अगर हम उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर हम उसका कंजम्पशन करें। तो हमारे लिए सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों फॉलो करें। तो मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ लंबी ही नहीं, एक हेल्दी लाइफ भी होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से दूर रहें, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आप अच्छे दिखते हो, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये तो सबसे बेसिक जो हम किसी डाइटिशियन के पास जाके डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं, उसका सबसे बेसिक रीज़न ये है कि हम फिट होना चाहते हैं, हम अच्छे दिखना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। इसके अलावा हमारे जो मेडिकल बिल्स हैं वो कम हो, क्योंकि आजकल अगर आप छोटी सी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपका लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मेडिकल बिल्स कम हो तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। और जो हमारे पास एक साइंटिफिक डेटा है उसमें भी ये देखा गया है कि जिन लोगों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है उन केसेस में मोर्टैलिटी रेट बहुत हाई होता है। और स्पेसिफिकली तो हमारे सामने एग्जांपल है कि इस कोविड के सिनेरियो में हमने देखा है कि जिन लोगों को पहले से ही कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर था, जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, कोई हार्ट की डिज़ीज़ हो गई आपको, आपको रेस्पिरेटरी कोई डिज़ीज़ था, ये इन वजहों से आपका कोविड में भी मोर्टैलिटी रेट बहुत हाई है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम लाइफस्टाइल क्यों चेंज करें। अगर आपको इसका रीज़न पता होगा और आप सही रीज़न्स की वजह से इसको अपना हैबिट बनाओगे तो आई एम श्योर ये लॉन्गर टर्म में आप सस्टेन भी कर पाओगे। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बेसिकली आपके अनहेल्दी बिहेवियर से होता है, मतलब जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो, या आपका ईटिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर आपका कोई टबैको का या अल्कोहल का आप अब्यूज़ करते हो, या बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमें हो ही जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है वो आप सिर्फ मैनेज कर सकते हो। कभी आपको किसी डॉक्टर ने ये कहा है कि आपको मैं ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ और इसके बाद आपको आने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप ठीक हो जाओगे। सो एक बार अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है तो वो आपको लाइफ लॉन्ग मैनेज करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना चाहिए कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको सिर्फ आप मैनेज कर सकते। अगर मैं हेल्थ की बात करूं और आपके लिए सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करूं तो आपका सोशल, फिज़िकल और मेंटल वेलबींग को हम हेल्थ कहते हैं, जिसमें आपने तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि आपका फिज़िकल एक्टिविटी, आपका स्लीप या रेस्ट और आपका न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूं तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ईट वेल प्लेट। तो आपने ध्यान रखना है कि आप उस ईट वेल प्लेट के अकॉर्डिंग खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आप सारा दिन जो है अगर कैलोरीज़ में और ग्राम्स में अगर आप इतना इंडल्ज हो जाओगे या इसी के बारे में सोचोगे तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सो इससे बेटर है कि एक हमारा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी प्लेट में आप एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में जो भी खा रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग हो। उस प्लेट में आपको ये बहुत स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपका कार्बोहाइड्रेट का, आपका फ्रूट और वेजिटेबल का कितना इंटेक होना चाहिए, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स का कितना इंटेक होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने मील्स लेते हो तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कंसिडर किया जाता है। सो मैं ईट वेल प्लेट के अगर रेशियो की बात करूँ तो उसमें सबसे मेजर पोर्शन जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का होता है, जो कि अराउंड 40% है।
आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में आप किसी भी तरीके का फ्रूट, चाहे वो विटामिन सी रिच हो, ए रिच हो, आप इंक्लूड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि सीजनल फ्रूट इंक्लूड करें और सीजनल वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। इसके अलावा अनदर मेजर चंक ऑफ जो हम ईट वेल प्लेट के रेशियो की बात करें, वो आता है कार्ब से, जो कि है ऑलमोस्ट 38%, जिसमें आपका राइस, चपाती या आपके ब्रेड्स हो गए या किसी भी तरीके का आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो है वो इंक्लूड होता है। इसके अलावा हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट का परसेंटेज है जो बताया गया है, वो है 8%, जिसमें आपका मिल्क हो गया, चीज़ हो गया या पनीर, टोफू, इस तरीके की चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। 1% जो है हमारा फैट एंड ऑयल इंक्लूड होता है, जो कि हम अपनी कुकिंग में, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, वो देसी घी हो सकता है, या किसी भी तरीके के स्प्रेड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो ईट वेल प्लेट का हिस्सा है। इसमें अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो तो शुगर का जो रेशियो है वो कहीं भी नहीं बताया गया है, क्योंकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल या ईट वेल प्लेट का हिस्सा नहीं है। सो ये आपने कोशिश करनी है कि आप रिफाइंड शुगर्स को जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकें उतना बेटर। सो जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम भूल जाते हैं, वो है हमारा फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके गट हेल्थ के लिए, आपके स्किन की हेल्थ के लिए, आपका फेस ग्लो करता है, आपको कोई डाइजेशन इश्यूज नहीं होते हैं। सो कैसे हम डिसाइड करें कि हमारा फ्लूइड इनटेक कितना होना चाहिए? सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है। अगर सपोज़ आपका लेबर का काम है और आप सारा दिन धूप में काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उस केस में आपका 4 to 5 liters भी अगर आपका वाटर इनटेक है तो वो भी परफेक्ट है। अगर आपका ज़्यादातर घर में आप घर के अंदर रहते हो या आप ज़्यादातर इंडोर्स रहते हो, आपको इतनी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो 2.5 to 3 liters ऑफ वाटर इनटेक इज़ आल्सो सफिशिएंट। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के किसका कितना फ्लूइड इनटेक होना चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिज़िकल एक्टिविटी। मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि इस पे एक ज़रूर एक सेक्शन रखूँ, क्योंकि आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर कि कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी क्रूशियल होती है हमारे लिए फिज़िकल एक्टिविटी, कि वो आपके कितने डिसऑर्डर्स या सिंपल प्रॉब्लम, जैसे कि आपको कोई कॉन्स्टिपेशन है या गैस्ट्रिक इशू है, वो इतना ईजिली आप उसको ओवरकम कर सकते हो सिंपल एक फ़िज़िकल एक्टिविटी से। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, वो मेरे से मांगते हैं कि आप मुझे कोई सप्लीमेंट्स दे दो, कोई पिल्स दे दो जिससे हम पतले हो जाएं। लेकिन अगर आपने अपना रिज़ल्ट और आप अपना जो आप वेट लॉस चाह रहे हो, अगर वो आप उसे लाइफ लॉन्ग रखना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने शेड्यूल में रखें। वो कुछ भी हो सकता है, आप छोटे से स्टार्ट करो, चाहे आप 10-20 मिनट्स की वॉक करना शुरू करो, लेकिन प्लीज़ इंक्लूड सम फ़िज़िकल एक्टिविटी इन योर शेड्यूल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्लीप। स्लीप इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, स्पेसिफिकली हमारा जो जितना भी दिन का वेयर एंड टेयर है, जो हमारी बॉडी का इंटरनल स्ट्रेस है, इट्स नॉट अबाउट योर मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल में जो वेयर एंड टेयर होता है, वो स्ट्रेस जो होता है वो भी आपका स्लीप में रिकवर होता है। बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो एक हीलिंग मोड पर होती है जब आप स्लीप आपकी स्लीप प्रॉपर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 6 to 8 hours की स्लीप रखें। और वो स्लीप कैसे आप अच्छी कर सकते हो, आपने कोशिश करनी है कि आप दिन में फिज़िकल एक्टिविटी करो ताकि आप शाम को थको, ताकि आपको लेटते ही नींद आ जाए। इसके अलावा आप अपना थोड़ा सा मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो सोने से पहले, ताकि आपका ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बेटर हो और आपको अच्छी नींद आ सके। इसके अलावा आपने अपनी ब्लू लाइट, मतलब जो हमारे लैपटॉप्स हैं, स्क्रीन्स हैं, ये सब आपने अपने सोने से 2 घंटे पहले एटलीस्ट आपने बिल्कुल बंद कर देने हैं, ताकि आपकी स्लीप प्रॉपर हो। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, वो है जंक फूड। इसके ऊपर मैं आपसे एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करूँगी, लेकिन आज हम शॉर्ट में बात करते हैं कि जंक फूड बेसिकली होता क्या है। जंक फूड आपका जो भी हाई इन फैट, हाई इन शुगर या हाई इन सॉल्ट होता है, उसको हम जंक फूड कंसिडर करते हैं। चाहे वो आपका बिस्किट हो, कुकीज़ हो, आपकी चॉकलेट्स हो, आपका पिज़्ज़ा, बर्गर या किसी भी तरीके का आउटसाइड फूड जो कि पैकेज्ड में आता है या प्रिजर्वेटिव्स के साथ आता है, ये सब जंक फूड होता है। सो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो ये है ही कि आपके लाइफस्टाइल ऑर्डर को वो ट्रिगर करता है। लेकिन आजकल जो मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ वो है चाइल्डहुड ओबेसिटी का।
सो हम सब ऑब्वियसली बच्चे घर पर हैं, आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करते होंगे खाने के लिए. सो आई वुड सजेस्ट कि आप घर का बना हुआ खाना प्रेफर करें. अगर आपने पिज़्ज़ा बर्गर उनको देना है तो हेल्दी ऑल्टरनेटिव, जैसे कि आप उस पर खाली आलू की पैटी बनाने की बजाय, अगर हम बर्गर की बात करें तो आप उस पर बीट रूट की या स्प्राउट्स की पैटी यूज़ कर सकते हो. अच्छे वेजिटेबल्स डालो, फ्रेश वेजिटेबल्स डालो. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं पिज़्ज़ा बर्गर, आपने ऐसे कुछ भी हेल्दी आपने बना के देना है तो उसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढो. आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो. हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि लाइफस्टाइल क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं. अब आपके लिए अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो आपने तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है. एक तो आपने ईट वेल, प्लेट के अकॉर्डिंग खाना है. आपका प्लेट जो है वह हेल्दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए. इसके अलावा आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान रखना है और आपने अपनी रेस्ट प्रॉपर लेना है. आपका स्लीप का जो एक टाइमिंग है वो एक प्रॉपर होना चाहिए, अच्छी स्लीप होनी चाहिए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस. और अगर आप किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट जो है हमारे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं और मैं आई विल कम अप विद अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.